अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कराते रहें अपने घरों में। तो ये एक दिन पहले रात की वीडियो है हस्बैंड की बर्थडे की। ये दूसरे दिन मॉर्निंग का टाइम है, बस हम लोग नाश्ता कर रहे थे हस्बैंड और मैं साथ में। मैंने रात में चने की दाल बनाई हुई थी और तली हुई रोटी। किस किस को पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है रात की जो बची हुई रोटी होती है उसको मैं तल के ऐसे नाश्ते में कर लेती हूँ। तो ये सुबह 7:30 बजे का आई थिंक टाइम था। गाइज़ हम लोग आए हैं होलसेल मार्केट और ये देखें सारा सामान जो मैं ले रही हूँ और निकलवा रही हूँ। मेरहा आप क्या करने आई हैं? मेरहा लेना ट्रेला भी लेना है और मामू वाला मोटेला और अपने लिए और क्या लेंगी? शैम्पू लेंगी, सोप लेंगी, ये लूंगी, हैंड वॉश भी लेंगी। हैंड वॉश लोगी आप? चलो सही है। तो गाइस अब मैं अपना सामान वगैरह निकलवा रही हूँ जो मुझे चाहिए है वो लेकर, तो फिर हम लोग जो है थोड़ी सी सेलिब्रेशन करनी है हस्बैंड के बर्थडे की, तो उसके लिए भी सामान लेना है कुछ। और कुछ चीज़ें मुझे घर की ज़रूरत की चीज़ें थी वो लेनी है, तो ले लूँ ला के फिर हम लोग घर जाएंगे और वहाँ जाके फिर हम उसकी तैयारी करेंगे। ये शाम का बस टाइम था और घर आते ही जो है चाय का टाइम हो चुका था, तो फिर फ्रेंच टोस्ट बनाए साथ में और साथ में ये पापड़ फ्राई किए मैंने। तो रमज़ानों में तो हर एक दस्तरखान पे ज़रूर होते हैं, क्योंकि ये बहुत से लोग बड़े हों या छोटे हों बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं इसको और ये हम लोगों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो किस किस को कमेंट्स के अंदर बताना पसंद है ये वाले पापड़, मुझे जो है बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चा बड़ा सब शौक़ से खाता है। और मुझे अपना टाइम याद है जब मैं छोटी थी, हम लोग मतलब स्कूल जाते थे तो वहाँ पे ये इतना सस्ता समा था कि वहाँ पे ये एक रुपये के शायद जो है ये चार मतलब पापड़ देते थे, शॉपर बनी हुई होती थी उनकी और ख़ुशी से लेते थे कि भाई इतनी सारी चीज़ आई है, इतने सारे पापड़ मिले। तो बस ये शाम का चाय का टाइम है और हम सारे एंजॉय कर रहे थे पूरी फैमिली बैठ के। ब्लैक वाला एक निकाल दें, क्रीम तो सही निकालो, वो देखो राइड भी करवाने जी। वाओ, बिग 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 केक। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब का घंटा ज़रूर दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।